गाइस सामने देख सकते हो ये हाजी अलिया और बहुत यहाँ काफी चेंजिंग हो चुका है। पूरा जो भी समुद्र किनारा था वो सबको सेट कर दिया है और इस तरीके से ये गाइस कुछ बंदा यहाँ पे नहा भी रहा है अंदर में, तो मजा आ रहा है भाई नहाने में, बहुत मजा आ रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साई दस के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस आज फिर से जा रहे हैं हम हाजी अली, बहुत काफी दिनों के बाद जा रहे हैं हाजी अली और वहाँ जाकर के बताएंगे कि हाजी अली के अंदर क्या क्या चेंजिंग हुआ है और कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया है। तो आप लोग ब्लॉग में अंत तक बने रहो और अभी जा रहे हैं यहाँ से बस पकड़ेंगे और बस पकड़ के उसके बाद जाएंगे हाजी अली और दिखाएंगे वहाँ क्या क्या चेंजिंग हुआ। ठीक है गाइस, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है गाइस, चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। गाइस बस में बैठ चुका हूँ और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे हाजी अली में उतरूंगा और वहाँ जाकर दिखाऊंगा। तो अभी बस के अंदर एंट्री मार चुके हैं, 63 नंबर बस है, इसी से जाना है हाजी अली। तो ये देख गाइस अंदर ग्राउंड में झंडा लगा हुआ है इस तरीके से, तो देख सकते हैं चप्पल वगैरह सब कुछ यहाँ मिलता है, ये अंदर ग्राउंड का सीन है इस तरीके से। ये है हाजी अली का मेन गेट अंदर जाने के लिए, तो यहाँ से हम लोग अंदर एंट्री मार रहे, उसके बाद पहुंचेंगे अंदर में दरगाह शरीफ के पास। तो ये है अभी जो एंट्री मारते ना वहां पर सीन दिख रहे आप, और यहाँ पे बहुत काफी चेंजिंग हो चुका है। देख सकते हैं पहले रास्ता इस तरफ से था, अभी इस तरफ से कर दिया गया, ऊपर से ब्रिज बना दिया गया है और इस तरीके से यहाँ पे ब्रिज का काम चालू है। पहले ये ब्रिज नहीं था, अभी ये ब्रिज बन चुका है और ब्रिज के नीचे से ही रास्ता बना दिया गया है। गाइस सामने देख सकते हो ये हाजी अली है और बहुत यहाँ काफी चेंजिंग हो चुका है। इस साइड देख सकते हो ब्रिज पे ब्रिज बन रहा है, कोई ऊपर कोई नीचे और बहुत सारा ब्रिज बन रहा है। ये जो ब्रिज बन रहा है ये समुन्दर है, इस तरफ ये पूरे में पानी भरा रहता है और इस तरफ देख सकते हैं गाइस किस तरीके से पत्थर लगा करके और ये ब्रिज तैयार किया जा रहा है और पूरा जो भी समुद्र किनारा था वो सबको सेट कर दिया है और इस तरीके से ये ब्रिज बना रहा है, देख सकते हो। तो देखिए और ऐसे पत्थर लगा लगा करके और उसके ऊपर दो ब्रिज है, अभी इस पर मेरे हिसाब से पिचिंग का काम चालू है, रोड बन रहा है। और यहाँ से आप जाएंगे तो हाजी अली सामने आपको दिख रहा है, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर में क्या। अभी तो पानी बहुत खाली है, बहुत अंदर तक खाली है, नहीं तो ये सब में पानी भरा रहता है, जितना जगह दिख रहा है ना आपको सब तरफ पानी भरा हुआ रहता है। अभी अंदर जाते हैं और अंदर जाकर के दिखाते हैं कि अंदर का सीन कैसा होने वाला। अंदर में भी काम चालू था हाजी अली के अंदर, वो दरगाह शरीफ का काम चालू था, तो वहाँ भी मतलब काम सक्सेसफुल हुआ कि ऐसा ही रह गया, तो वहाँ जा कर के भी आपको जरूर दिखाएंगे। ठीक है गाइस, ब्लॉग में बने रहो, आज का ब्लॉग बहुत खतरनाक होने वाला है हाजी अली से लेकर के, तो देख सकते हैं। अभी चलता हूँ मैं अंदर और अंदर जा करके दिखाता हूँ। पत्थर दिख रहा है, पहले इस साइड पे भी धंधा लगा करता था, मतलब खाने पीने का आइटम मिला करता था, अभी यहाँ जो है वो भी बंद हो चुका है। और ये देख लें नज़दीक से, तो ये है मेन गेट दरगाह शरीफ के अंदर जाने के लिए। आप अगर दरगाह शरीफ के अंदर जाते हैं तो ये गेट से एंट्री मारना पड़ेगा और सब तरफ देखिए पूरा ब्रिज ही ब्रिज का काम चालू है और इस तरफ जो है पूरा पत्थर दिख रहा होगा क्योंकि अभी पानी जो है अंदर जा चुकी है और शाम में कहीं भरेगा इस तरफ पे। तो ये देख गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ और अंदर में देख सकते हैं आप भीड़ वगैरह कितना है और शायद लग रहा है कव्वाली वगैरह भी चालू है। और देखते हैं दरगाह शरीफ का जो काम बाकी था वो अभी हो रहा है कि हो गया है, अभी दरगाह शरीफ के अंदर जाते हैं। तो देख सकते हैं आप ये अभी भी काम चालू है और पूरे मार्बल वगैरह से पूरा इसको सजाया जा रहा है, देख सकते हैं। तो ज़ियारत कर लें अपने दरगाह शरीफ का, तो ये देखें दरगाह शरीफ का आप देख सकते हैं, ये देखो दरगाह शरीफ, माशाल्लाह माशाल्लाह, देख सकते हैं आप ये हाजी अली।
दरगाह का कुछ सीन होता है, जिसको भी चादर चढ़ाना है, कुछ भी करना है तो यहाँ से आप चढ़ा सकते हैं। और उस सटे कवाली भी चाहिए। नजदीक से देख सकते हैं गाइस, आप नजदीक से इसका ज़ियारत कर सकते हैं। जो मुंबई नहीं आए, हाजी अली दरगाह शरीफ नहीं आए, तो यहाँ से आप ज़ियारत कर सकते हैं। देख सकते हैं, और देखे सो मन्नतें मांगे, जो भी दुआ है जिनकी, इस तरीके से दुआ मांग रहे। तो ये है, और ये है मस्जिद। तो देख सकते हैं, ये मस्जिद है। पूरी फिल्म में जो कादर खान ऊपर से जो गिरता है, ये ब्रिज इसी के ऊपर से, मीनार के ऊपर से गिरता है। ये मीनार है, और इसी का अमिताभ बच्चन चाहता है जो गोली मारा जाता है, तो इसी मीनार के से इधर इस तरफ पत्थर के गिरते हैं कादर खान। और ये है दरगाह शरीफ, और इसके बाहर का भी सीन दिखाता आपको गाइस। अगर कुली जरूर देखे हुए तो ये मीनार को जरूर पहचानते हैं, और ये मीनार पे से ही पूरा नीचे ढकेल दिया जाता है। देख सकते हैं इस सड़क कितना क्राउड है, और बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो देखे अभी तो पानी बहुत अंदर जा चुकी है इसके लिए, और इधर पे सब घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं यहाँ। और देखे गाइस, जुमा के दिन भी इतना भीड़ है, तो संडे को सोच सकते हो संडे को कितना भीड़ रहता होगा। संडे को तो और काफी भीड़ रहता होगा यहाँ पे। बहुत दिन के बाद आया हूँ, और बहुत चेंजिंग मिला मुझे हाजी अली के अंदर। मैं पहले ब्लॉग बना चुका हूँ ये अपना हमारे चैनल पे, शाहिद एस के ब्लॉग में हाजी अली का वीडियो डाला हुआ है, और देख सकते हैं अभी का भी कितना है, रोशन है, कितना खूबसूरत सीन लग रहा है। और ये जो देख रहे हो, ये पूरे में कुहासा लगा हुआ, पूरा धुंधा है। और ये ब्रिज देख रहे हो, ये ब्रिज तैयार बहुत ज्यादा हो चुका है, और अभी भी काम चालू है। और वो जो सामने लाइट दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा लाइट आपको नजर आ रहा होगा, वो वर्ली का ब्रिज है जो बांद्रा को अटैच करता है। और ये भी शायद मेरे हिसाब से ये उसी तरफ जा रहा है, और बांद्रा को ही अटैच करेगा। तो ये ब्रिज बनने से बहुत सफर आसान होने वाला है। और इस साइड देख लें, इस साइड भी देखें गाइस। तो मैं हाजी अली दरगाह के बाहर का ये सीन दिखा रहा हूँ, जो बाहर में एंजॉय करते, और इस तरफ जिसको नमाजें पढ़ना, नमाज पढ़ते, कुरान शरीफ इबादत वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए हाजी अली के सीन बाहर कुछ इस तरीके से है, और ये जो सब बैठे हुए, यहाँ तो पूरा पानी भरा रहता है। जब जुआर आती है, जब जुआर आता है तो ये सब में पानी भरा रहता है। ये जितना दिख रहा है ना,
ये पूरे ये सब पे इतना ऊपर पानी चढ़ा रहता है, और अभी देख रहे ये अल्लाह का करिश्मा ही है जो पानी टाइम टेबल से पानी आता है और जाता है, समझे। और काफी दूर आ चुका है गाइस, देख सकते हो, और मगरिब का अजान भी हो रहा है। मैं हाजी अली से, हाजी अली पीछे देख पा रहे होंगे आप, और अंदर बहुत आ चुका हूँ, जा रहा हूँ किनारे की तरफ, जिस तरफ समुंदर की लहर है। आपको लहर का भी नज़ारा जरूर दिखाऊंगा। जब यहाँ तक आ चुका हूँ तो लहर तो बनता है गाइस, आप देखें लहर में कितना करंट रहता है, और बहुत काफी पैर स्लिप खा रहा है क्योंकि यहाँ पत्थर है ना, और पत्थर पे जो कदई लगा हुआ है उस बिना पे पैर बहुत स्लिप खा रहा है। ठीक है गाइस, तो आपको लहर भी जा करके दिखाता हूँ मैं, और देखें कितना तगड़ा यहाँ का लहर रहता है। जो जो भाई मुंबई में आए हुए हैं वो तो जरूर देखे होंगे, और जो नहीं आए हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, और इस तरफ देख पा रहे होंगे लहर, पानी में कितनी लहर है, करंट है, और सब अभी फोटो वगैरह सब खिंचा रहे अंदर में जा जा करके। तो देख गाइस कितनी लहर है, और इस साइड भी देखे कितना पब्लिक है, तो देख सकते हैं। तो ये देख गाइस लहर देखे कितनी लहर है पानी में, कितना जुआर मार रहा है। ओह वाह, अब बहुत काफी तेज हवा चल रहा है गाइस, बहुत काफी तेज हवा, मगर क्या करे अंदर में चल गया, फिर भी पसीना छूट रहा मुझे। तो देखिए मैं आपको नजदीक से यहाँ का लहर दिखाता हूँ। ओ वाह देख, तो ये देख सब फोटो वगैरह खिंचा रहे, लहर देख ले लहर कितना तगड़ा है। अभी तो कम जुआर मार रहा है, और धीरे धीरे पानी जो है बढ़ रहा है, देख सकते हैं। ओ वाह क्या सीन, एकदम ठंडी ठंडी ताजा हवा आ रहा है यहाँ पे छूटा हुआ, और बहुत एंजॉय कर रहे गाइस, बहुत मजा आ रहा है, देख सकते हैं फोटो किस तरीके से शूट हो रहा है। और ये देखे गाइस, ये देखे आजे भी कितना दूर पे, अभी मैं कितना अंदर आ चुका हूँ देख सकते हैं। और पहले वाले वीडियो में देखे होंगे आप कि ये सब तरफ पानी भरा हुआ है, और इस तरफ देखे लहर देख फुल एंजॉय। गाइस कुछ बंदा यहाँ पे नहा भी रहा है अंदर में, तो वहां का भी सीन दिखा रहा है आपको। ये देखो लहर कितना तगड़ा है, तो कितना मजा आ रहा है भाई नहाने में, बहुत मजा आ रहा है नहाने में, मजा आ रहा है कि नहीं। ये देखो लहर, देखो लहर, ओह देखिए आते आते स्लो हो जाता है। ये देखिए कितनी तगड़ी लहर है, वाह ये देखो, ये इसी लहर के चपेट में अगर आए तो गए काम से। ये देखो कितना तगड़ा लहर, ये देखो कितना मजा आ रहा है यार, अल्लाह क्या बहुत खराब पानी है, एकदम नमक ही नमक पानी में भरा हुआ है, पानी में जो नमक का मात्रा बहुत है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, और बताएं कि हाजी अली का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, पहले ऐसा वीडियो देखे हुए थे या नहीं देखे हुए थे, जरूर कमेंट करना जैसा ही वीडियो लगा। ठीक है और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल।